नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर में लगातार ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आने लगे हैं, जो कि चिंताजनक है। ठगी भी ऐसी वैसी नहीं, 25 लाख की धोखाधड़ी एक युवती के साथ हुई है। फेसबुक पर विज्ञापन देख वेबसाइट पर बनाई आईडी टास्क पूरा करने के नाम पर लाखों रुपए हट लिए, ठगे लिए। जी हाँ, ये पूरा मामला सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां पर एक युवती से ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ठग ने ऑनलाइन टास्क पूरा कराने के नाम पर 25 लाख की धोखाधड़ी की है। मामले में फरियादी ने थाने पहुंचकर शिकायत की है। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है। पुलिस के अनुसार गुजराती बाजार निवासी प्रगति ने थाने पहुंचकर शिकायत में बताया कि फेसबुक पर एक विज्ञापन देखा और उसमें एक वेबसाइट www.supop.com को ओपन किया। वेबसाइट पर अपनी आईडी बनाई, जिसमें टास्क पूरा करने के लिए दिया जाता था, पैसे डलवाए जाते थे। शुरू में 500 रुपये वेबसाइट पर मेरे द्वारा डलवाए गए और टास्क दिया गया। टास्क पूरा करने पर 500 के 700 रुपये मिले। वेबसाइट पर और अधिक टास्क आने लगे और पैसे भी डलवाने जाने लगे लगातार, कभी 1300, कभी 2000, 1800 रुपये। जैसे छोटे टास्क आने लगे और पैसे डलवाए जाने लगे। शुरुआत में UPI मोबाइल नंबर, फ़ोनपे और पेटीएम अकाउंट नंबर से पैसे डलवाए जाते। बाद में ऐप काम नहीं कर रही थी तो टेलीग्राम पर एक आईडी से मैसेज आने लगे, जिसमें कहा कि www.supop.com वेबसाइट बंद हो गई है, उस पर लोड ज़्यादा है। फिर उन्होंने दो नई आईडी दी और इस पर मुझे टास्क मिलने लगे, जिसमें टास्क के नाम पर 25,000, 35,000, 50,000 और 1,00,000 रुपए के कई बार ट्रांसफ़र कराए गए और इस प्रकार करीब 25 लाख रुपये वेबसाइट में डलवाए गए। लेकिन कुछ दिन बाद वेबसाइट बंद हो गई और पैसे वापस नहीं मिले। वेबसाइट पर लगातार मैसेज किए गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मामले में शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी की धारा में प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है। लेकिन हम आपको बता दें, इन पूरी ठगी जितनी भी हो रही हैं ऑनलाइन ठगी, इनमें सबसे बड़ी लापरवाही अपनी खुद की इसलिए है कि क्यों इतना विवेक खो देते हैं लोग कि सामने वाले पर इतना यकीन कर लेते हैं, वेबसाइट वो भी ऑनलाइन जिसको कभी देखा नहीं, उस पर यकीन करके पैसे आकर अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं लोग। ये बड़ी लापरवाही है जिसका खामियाजा इस युवती को भुगतना पड़ा है। लेकिन पुलिस जांच में जुटी हुई है कि आखिर ये ठगी किसने की है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।